वेलकम टू स्वादिष्ट किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं थाई रेड करी, तो आइए जानते हैं इसकी सामग्री। रेड थाई करी पेस्ट बनाने के लिए हमें चाहिए एक छोटा प्याज, 7 कलियां लहसुन, 1.5 इंच अदरक, आधा छोटा चम्मच नींबू का छिलका, 1 चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च, 2 छोटे चम्मच साबुत धनिया, नमक स्वाद अनुसार। यहाँ पे मैंने 7 से 8 काश्मीरी मिर्च ली है, इसको बीज निकाल लिए हैं, और ये 7 से 8 तीखी मिर्च लिए हैं, लेमन ग्रास लिया है 1.5 इंच के 3 से 4 टुकड़े। यहाँ पे हमने 2 नारियल लिए हैं, इसका मैंने छिलका उतार के इसको बारीक टुकड़ों में कट कर लिया है। 250 ग्राम चिकन लिया है यहाँ मैंने, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप यहाँ पे सब्जियाँ ले सकते हैं। और बेजिल के पत्ते लिए हैं 7 से 8। गार्निश के लिए मैंने मूंगफली के 8-10 दाने और 2 लाल मिर्च लिए हैं। सबसे पहले हम नारियल का दूध निकालेंगे, नारियल को मिक्सर में डालेंगे। आधा आधा करके डालेंगे और इसको 1 कप पानी डालेंगे और इसको पीस लेंगे। नारियल हमने पीस लिया है, अब हम इसे कपड़े में डाल लेंगे और इसका छान के दूध निकालेंगे। हमने अभी पूरा नारियल पीस लिया है, अब हम इसे कपड़े से छान लेते हैं। इस तरह से हम ये दूध निकाल लेंगे। इस तरीके से नारियल का दूध निकाल सकते हैं, या आप मार्केट से भी कोकोनट क्रीम खरीदी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 1 ग्लास पानी गरम करने रखा है, इसमें हम लाल मिर्च डालेंगे और इसको 7 से 8 मिनट बॉईल कर लेंगे। मिर्ची बॉईल हो गई है, अब इसे हम निकाल लेते हैं। इसको टिश्यू पेपर पे निकालेंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए, और इसे पेपर से भी थोड़ा सा पानी इसका कम कर देते हैं। थाई करी की पेस्ट बनाएंगे अब हम, इसमें हम मिर्ची डालेंगे। लेमन ग्रास, लहसुन, प्याज, अदरक, धनिया, काली मिर्च, जीरा और नींबू का छिलका। इसे अब हम पीस लेंगे, थोड़ा सा ही पानी डालेंगे। मैंने पेस्ट बना लिए है, इसमें मैंने 2 चम्मच पानी डाला है और बारीक पेस्ट पीस ली है। यहाँ पे कढ़ाई मैंने गरम की है, इसमें हम 2 चम्मच नारियल का दूध डालेंगे और इसको बॉईल आने देंगे। गैस को हम मीडियम स्लो रखेंगे, इसका थोड़ा तेल छूटने तक हम इसे उबल आने देंगे। किनारों पे अभी तेल छूटने लगा है, अब हम इसमें पेस्ट डाल देते हैं और इसे 2 मिनट पकाएंगे। पेस्ट को हमने 2 से 3 मिनट पका लिया है, अब हम इसमें चिकन डाल देते हैं और इसके साथ हम डालेंगे नमक। नमक हमने पेस्ट में नहीं डाला था, इसके लिए हम अभी डाल रहे हैं, और इसको थोड़ा सा हम पका लेते हैं। 80% हम चिकन को पका लेंगे। चिकन हमारा ऑलमोस्ट पक गया है, अब हम इसमें बचा हुआ नारियल का दूध डालेंगे।
और इसमें डालेंगे हम बेजिल। बेजिल के पत्ते इस तरह से तोड़ के डालेंगे ताकि इसका अच्छी तरह से फ्लेवर आए, और इसको तब तक पकाएंगे जब तक ये थोड़ा गाढ़ा नहीं हो जाता। थाई करी हमारी रेडी है, गैस बंद कर देते हैं। अब हम इसे बाउल में निकाल लेंगे। रेडी है हमारी थाई करी। रेसिपी आपको पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।